नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गर्भवती महिलाओं में कोविड-19 टीकाकरण का हुआ शुभारंभ। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार अब कोविड से सुरक्षा के लिए कोविड-19 टीकाकरण गर्भवती महिलाओं के लिए आज से प्रारंभ हो गया है। आज 23 जुलाई से उमरिया जिला चिकित्सालय सहित कुल 3 केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, पाली, मानपुर, चंदिया, जहां पर गर्भवती महिलाओं का विशेष टीकाकरण किया जा रहा। गर्भवती महिलाओं के आमजनों से अलग वैक्सीन टीकाकरण सेंटर बनाया गया है, जहां उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं ने कोविड-19 का टीकाकरण महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, टीका लगवा रही हैं। टीका लगवाने आई गर्भवती महिला कंचन साहू ने टीका लगवाकर अपील कर बताई कि ये कोविड-19 टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है, ज्यादा से ज्यादा लोग लगवाएं। इस टीके के लगवाने के बाद जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे, टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर VK जैन ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार आज 23 जुलाई से जिले में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण शुरू हो गया है, जो कि उमरिया जिला चिकित्सालय सहित कुल 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा स्टाफ की निगरानी में महिला की सभी जांच के बाद टीकाकरण किया जाएगा। इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय उमरिया, पाली, मानपुर व चंदिया में टीका लगाया जा रहा। आज शासन के निर्देशानुसार पूरे जिलों में सिर्फ चिन्हित जगहों पर टीकाकरण करवाया जा रहा है, सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए। इससे फायदा यह है कि गर्भवती महिलाओं में कोविड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसलिए इसमें गर्भवती महिला के साथ साथ उस बच्चे की भी सुरक्षा है, इसलिए टीकाकरण करवाया जा रहा है। ये सिर्फ चिन्हित जगहों पर, अभी पाली में सिर्फ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली, इसमें क्या डॉक्टर की देखरेख में होना है टीकाकरण। तो हम लोग यहाँ पर 2 चैम्बर बनाए हुए हैं, वेटिंग हॉल तो सामने है, इंजेक्शन रूम प्लस आफ्टर इंजेक्शन के बाद आधा घंटे उनको रुकना है, और कोई विपरीत प्रभाव होते हैं तो हमारे पास AFI किट है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और आधा घंटे के रखने के बाद फिर महिलाओं को जाने देंगे। जिले में से 3 CSC चंदिया, मानपुर। कंचन साहू, पाली प्रोजेक्ट से। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है वो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए टीकाकरण का घोषणा जो की है उसको सभी को लगवाना चाहिए, इससे कोई खतरा नहीं है और सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। और मैंने खुद भी ये वैक्सीनेशन करवाया है, तो मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि सब जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं सब कोई अपना अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, इससे कोई ख़तरा नहीं है, कोई भी डरने की बात नहीं है। ये जो भारत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है, तो मैं यही अपील करना चाहूँगी सभी गर्भवती महिलाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और टीका लगवाएं। ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है गर्भवती माताओं के लिए भी और उनके घर में पलने वाले बच्चों के लिए। ये गर्भवती माताओं को साथ साथ उसके बच्चे को भी कोविड-19 के प्रभाव से बचाएगा, और जैसे कि कोविड-19 का और दुष्प्रभाव आने वाला है, उसका तीसरी लहर आने वाली है, तो कोविड-19 का टीका लगाकर गर्भवती महिलाएँ अपने साथ साथ बच्चे को सुरक्षित करेंगी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें डीडी टुडे।